कर्मयोगिनी रणरागिनी महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्या बाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। की अरुणिमा नीले आसमान में गुलाल सा बिखेर रही थी। सूर्य की सुनहरी रश्मियों ने जैसे शिव की आराधना में सहस्त्र ज्योत जलाकर रखी थी। सिद्धेश्वर मंदिर में आरती की थाली, हल्दी, कुमकुम, अक्षदा और तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजी हुई थी। पास ही धूप बत्ती से धूम्रवलय उठकर शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे थे। सुवासित फूलों से संपूर्ण मंदिर महक रहा था। पास ही में नैवेद्य की थाली रखी हुई थी। मेरे हाथ में पंचारती थी, जिसके पवित्र प्रकाश में शिवलिंग आलोकित हो रहा था। बचपन से ही मेरे मन में शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। मेरा एक कदम भी शिव को स्मरण करके ही उठता था। आई बाबा भी शिव भक्त थे, उन्होंने ही शिव भक्ति की घुट्टी मुझे पिलाई थी। मैं तन्मय हो शिव की आरती कर रही थी। शिव स्तोत्र मेरी आवाज में एकाकार हो गए थे। शिव की आरती कर मैंने पुष्प शिव को अर्पित कर नैवेद्य दिखाया। फिर प्रसाद सबको बांटने के लिए तबक उठाकर पीछे मुड़ी ही थी कि देखा दो राजपुरुष सिर नवाए भक्ति भाव में लीन खड़े थे। मैंने उन्हें प्रसाद दिया। उनके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कुराहट थी। मैं उन्हें देख चौंकी, अरे ये तो वही राजपुरुष हैं जिनसे कल अचानक नदी किनारे मुलाकात हो गई थी। मुझे अनायास ही कल की घटना स्मरण हो आई। मैं और मेरी सहेलियां रेत से शिवलिंग बना रही थीं। अभी शिवलिंग बनकर पूरा ही हुआ था और हम सब उस पर सुगंधित पुष्प अर्पित कर रही थी कि तभी अश्वों के टापों की आवाज से जैसे जमीन हिल उठी। हम सब सहेलियां चौंक कर उधर ही देखने लगी। तभी एक अश्व बेकाबू हो हमारी तरफ तेज गति से आने लगा। भयभीत हो मेरी सारी सहेलियां वहां से भाग गईं। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं भी भाग गई तो अश्व के टापों से मेरा बनाया शिवलिंग ध्वस्त हो जाएगा। जिस शिवलिंग का निर्माण मेरे हाथों हुआ था, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही थी। मैंने सोच लिया था, मैं शिवलिंग छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी ही चोट क्यों न लग जाए। मैंने अपनी बाहों से शिवलिंग को घेर लिया, क्योंकि मैं शिवलिंग का अस्तित्व किसी भी परिस्थिति में बचाना चाहती थी। अश्व की टप टप की आवाज पास आती जा रही थी। मैंने भय से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन धीरे धीरे अश्व के टापों की आवाजें धीमी होती हुई बंद हो गई। मैंने धीरे से आंखें खोली। सामने एक सैनिक जो अश्व पर सवार था, डांटने के स्वर में बोला, ए लड़की, कौन हो तुम और रुकी क्यों रही? अगर चोट लग जाती तो? तभी पीछे से एक और अश्वारोही आगे आए।
उनके राज वस्त्रों से वे कहीं के राजा ही लग रहे थे। वे अश्व से नीचे उतरे और पास आकर मेरा हाथ पकड़कर उठाया और बोले, बेटी तुम्हारी सारी सहेलियां भयभीत होकर चली गईं, लेकिन तुम नहीं गई और शिवलिंग को बचाने की कोशिश करती रहीं। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मैंने नम्रता से जवाब दिया, जी अगर मैं भी चली जाती और शिवलिंग खंडित हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे आई और बाबा कहते हैं जिसको अस्तित्व में हमने लाया है उसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए इस शिवलिंग को अगर आकार मैंने दिया है तो मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। मेरी बात सुनते ही दोनों राजपुरुष कौतुक से हंस दिए और बोले, बेटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे आई बाबा कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अहिल्या है, मेरे बाबा मानकोजी शिंदे हैं और वे इस चौंडी गांव के पाटिल हैं। मेरी आई का नाम सुशीला बाई शिंदे है। वो राजपुरुष बोले, अरे वाह, तब तो ज़रूर मिलेंगे हम तुम्हारे आई बाबा से। उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, सदा खुश रहो, औक्षंत रहो बेटी अहिल्या। मैं उन्हें प्रणाम कर घर आ गई थी। आज उन्हें मंदिर में देखते ही मुझे सारी घटना स्मरण हो आई। मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने फिर से मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और पूछा, अहिल्या तुम्हारे बाबा कैसे हैं? हम शीघ्र ही उनसे मिलेंगे। मैंने कहा, जी ज़रूर मिलिएगा, उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। घर आते ही मैंने आई को पुकारा, आई आई कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ आ रही हूँ, आई ने रसोई घर से कहा, तुम्हें तो हर बात की जल्दी होती है। पर मैं खुद ही रसोई घर में पहुँच गई और आई के गले में हाथ डालकर बोली, आई आज मंदिर में मुझे दो राजपुरुष मिले, वो कहीं के राजा लगते थे, आपके और बाबा के बारे में पूछ रहे थे। आई परेशान होकर बोली, अरे राजपुरुष कहीं के राजा लगते थे? अहिल्या सच बताना, तुमने उनसे आदरपूर्वक बात तो की थी ना? तुम ज़्यादा बोलती हो, कहीं असावधानी में उनकी शान में कोई कमी तो नहीं की, उन्हें नाराज तो नहीं कर दिया? अरे नहीं आई, वो तो बहुत खुश लग रहे थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर भरपूर आशीर्वाद भी दिए। अच्छा आई आज खाने में क्या बनाया है? आई बोली, अहिल्या तेरे पसंद का पीठला और भाकरी, साथ में मिर्ची का ठेचा भी है, तू जाकर अपनी कपिला गाय से मिला, देख तेरी आवाज़ सुनकर वो तुझे पुकार रही है। मैं तुरंत आंगन में कपिला के पास भागी और उसे प्यार से सहलाने लगी, वो भी मेरा स्पर्श पा खुशी से रंभाने लगी। मैंने उसे खाने को हरी हरी कोमल घास लाकर दी, वह सिर हिलाती खाने लगी। फिर मैंने पास ही खेल रहे भेड़ के छोटे से बच्चे को गोद में उठा लिया, वो भी मेरी गोद में लाड से सिमट गया। मैं आगे बढ़ी और एक नियत जगह पर चिड़ियों को दाने डाले और उनके सकोरे में पानी भर दिया। तुरंत सारी चिड़ियाँ
अपने पंख फड़फड़ाते आई और दाना चुगने लगी। साथ ही सकोरे से पानी पीती एवं अपने पंखों को भिगोती चहचहाने लगी। मैंने आंगन में आम, नीम, जाम के वृक्षों को पानी दिया। मैंने देखा आम पर बौर आ गए हैं। बौर देखकर मैं खुश हो गई और आम की डालियां भी जैसे झूमते हुए मेरी खुशियों में शामिल हो गईं। तभी आई की आवाज़ आई, चल अहिल्या, भोजन तैयार हो रहा है, तुम्हारे दोनों दादा को भी बुला लाओ और आकर पाट बिछा दो, पीने के लिए पानी भर कर रख दो। मैं तुरंत शाहजी दादा और महाजी दादा को भी बुलाने चल दी। रसोई घर में आकर देखा तो आई भाकरी बना रही थी। मैं बोली, आई मुझे भाकरी बनाने दो ना। आई बोली, अहिल्या अभी तो तुम तुम्हारे दादा के साथ भोजन कर लो, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे, जब वो आएंगे तुम उन्हें गर्मा गर्म भाकरी बनाकर खिलाना, लेकिन ध्यान रखना जलने ना पाए। कहते कहते आई हंस दी, दोनों दादा भी हंसने लगे। मैं बोली, नहीं जलाऊंगी ना आई, देखना बाबा को मेरे हाथ की भाकरी कितनी अच्छी लगेगी। आई बोली, अहिल्या तुम बड़ी हो गई हो, घर के सारे कामकाज तुम्हें आना ही चाहिए। कल को ससुराल जाओगी तो कहीं तुम्हारी सासू माँ ये न कहे, अहिल्या की माँ ने तो अहिल्या को कोई कामकाज सिखाया ही नहीं। शाहजी दादा और महाजी दादा भी मेरी ओर देखकर हंसने लगे। मैंने मुंह फुलाकर कहा, आने दो बाबा को, तुम्हारी शिकायत करूँगी, फिर बाबा तुम्हें अच्छे से डांटेंगे। आई हंसकर लाड़ से बोली, अरे नहीं, मेरी अहिल्या तो ससुराल जाकर मायके का नाम रोशन करेगी, खरा है ना अहिल्या। मैंने देखा आई के पलकों की कोर भीगी हुई थी, मेरा मन भी भीग गया। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं जल्दी ही घर के काम सीख जाऊंगी। आई ने भोजन परोस दिया था, हमने बैठकर थाली को नमस्कार किया और मंत्र एक स्वर में बोलने लगे, हे परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजप्रद हो, हम परस्पर द्वेष न करें, परस्पर स्नेह करें। तत्पश्चात खाना खाकर मैं बाहर सहेलियों के साथ खेलने निकल गई। सांझ घिर आई थी, आसमान में रंगोली के कितने ही रंग बिखरे हुए थे, पंछी अपने घोंसले में चहचहाते हुए लौट रहे थे, गायें भी धूल उड़ाती हुई लौट रही थी, उनके गले में बजती मधुर घंटियों के स्वर वातावरण में मधुर संगीत घोल रहे थे। संध्या आरती का समय हो रहा था, मैं सिद्धेश्वर मंदिर की ओर चल दी। सिद्धेश्वर की दोनों समय की आरती मेरी नियमित दिनचर्या में शामिल थी। शिव का अलौकिक स्वरूप मेरे मन में हमेशा बसा रहता, उनकी भक्ति मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। आरती कर घर वापस आ गई, घर में देवहारे में निरंजन जलाई और आंगन में स्थित तुलसी के चौरे पर भी दीपक जलाया। मैं दीपक की प्रार्थना करने लगी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। आई कहती है, तुलसी हमारी माता है, जिस तरह माँ हमारी रक्षा करती है
तुलसी भी हमें आरोग्य देकर हमारी रक्षा करती है। थोड़ी ही देर में बाबा आ गए। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया और बोले, चल मेरे साथ बैठकर भोजन कर ले, तेरे दोनों दादा भी राह देख रहे हैं। आई गरम गरम भाकरी चूल्हे पर बना रही थी, हमने साथ साथ भोजन किया। भोजन के बाद मैं अंदर कक्ष में आकर लेट गई। मैं सोने से पहले शिवजी से प्रार्थना करने लगी, हे शिवजी, आपकी कृपा से आज का दिन सुख और आनंद से बीत गया, आने वाले दिनों में भी आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तभी बाबा ने आई से पूछा, अहिल्या सो गई क्या? आई ने एक नज़र मुझ पर डाली और बोली, लगता है सारे बच्चे सो गए। बाबा बोले, सुशीला मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अरे तो कहिए ना, मुझे भी आज आप थोड़े अनमने से लग रहे हैं, आई ने चिंतित स्वर में कहा। बाबा बोले, गांव के बाहर नदी के किनारे हरे भरे घने वृक्षों के नीचे शामियाना लगा है, वहाँ पूना के श्रीमंत बाजीराव पेशवा और इंदौर के सूबेदार श्रीमंत मल्लारराव होलकर विश्राम के लिए ठहरे हैं। आज श्रीमंत सूबेदार मल्लारराव जी का संदेश आया है कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं सुबह उनसे मिलने जाऊंगा। पर ऐसा क्या काम आ गया कि वे मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं? आई बोली, हाँ याद आया, अहिल्या भी कह रही थी कि मंदिर में किन्हीं दो राजपुरुषों से भेंट हुई थी और वे आपके बारे में पूछ रहे थे। कहीं अहिल्या ने ऐसा कुछ तो नहीं कह दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा हो? बाबा बोले, अहिल्या स्पष्टवक्ता जरूर है, पर वह वही कहती है जो उसे सही लगता है। पर हमारी अहिल्या बहुत समझदार है, वह तो सबसे सम्मानपूर्वक बात करती है, फिर चाहे वह हमारे घर में काम करने वाले सेवक ही क्यों न हो। ठीक है सुशीला, तुम चिंता न करो, सिद्धेश्वर सब भला ही करेंगे। आई बाबा की बातें सुनते सुनते मैं न जाने कब सो गई। स्वप्न में भी मुझे वे राजपुरुष इंदौर के सूबेदार जी मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरते नजर आ रहे थे। सुबह होते ही दिनचर्या फिर शुरू हो गई। आज बाबा इंदौर के सूबेदार जी से मिलने गए हुए थे। आई की नजरें बार बार दरवाजे पर आकर ठहर रही थी। घर का कामकाज भी वो अनमने ढंग से कर रही थी। मैंने आई से पूछा भी, आई क्या मैं काम में हाथ बटाऊं? पर आई ने कहा, नहीं अहिल्या, राव दे, तू आंगन में जाकर काम देख ले और सहेलियों के साथ जाकर खेल, बाबा थोड़ी ही देर में आते होंगे। दिन कहाँ निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। सांझ गिरते ही सिद्धेश्वर की संध्या आरती करके जैसे ही शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए, एक पुष्प मेरे सिर पर आकर गिरा। पुजारी काका हंसते हुए बोले, अहिल्या पुरी, आज तो सिद्धेश्वर का आशीर्वाद तुझे मिला है, जरूर तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ घटित होने वाला है। कहते हुए पुजारी काका ने भी मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अक्षवंत हो अहिल्या, सुखी रहो। शिव जी का आशीर्वाद पाकर मैं भी खुद को भाग्यवान महसूस कर रही थी।
घर लौटते वक्त मेरे पैरों की पैंजन से भी मधुर छमछम की आवाज़ आ रही थी, मानो वे भी मेरी खुशी में शामिल थी। रात की प्रार्थना करके सोने की कोशिश कर ही रही थी कि बाबा की आवाज़ आई। वे आई से पूछ रहे थे, अहिल्या सो गई क्या? आई ने कहा, हाँ सो गई है। आप तो आज बहुत खुश लग रहे हैं, अब ज़रा बताइए सुबह आप सूबेदार जी से मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा? बाबा बोले, सुशीला तुम सच ही कह रहे हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे परिवार पर शिवजी की कृपा हो गई है। मुझे जब इंदौर के सूबेदार जी ने अपने शामियाने में बुलाया था तो मैं आशंकित था कि कहीं हमारे परिवार या गांव के किसी व्यक्ति से कोई अवज्ञा तो नहीं हुई, लेकिन जब आज मैंने उनको अभिवादन करके पूछा, क्या आज्ञा है सूबेदार जी? उन्होंने उनके समीप ही मंच पर बैठाया और कहा, ये पूना के श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी हैं, इन्हीं की सलाह से मैंने आपको बुलाया है। मैंने झुककर उनका भी अभिवादन किया। पहले तो मुस्कुराते हुए मेरी कुशलक्षेम पूछी, फिर स्नेह से पूछा, क्या अहिल्या आप ही की बेटी है? मैंने कहा, जी सूबेदार जी, अहिल्या मेरी ही बेटी है। तब सूबेदार जी ने रानी साहेब गौतमाबाई साहब को भी वहीं बुलाया और उनसे बोले, रानी साहेब ये अहिल्या के पिता हैं पाटिल मानकोजी शिंदे। मैंने उनका भी अभिवादन किया। रानी साहेब भी मुस्कराई और बोली, पाटिल साहब कल मंदिर में हमारी भेंट अहिल्या से हुई, वह तन्मयता से शिव की आरती कर रही थी, उसके हाथ में पंचारती थी, उसके आरती के स्वर में साक्षात शिव वाणी सुनाई दे रही थी। आरती का प्रकाश अहिल्या के चेहरे पर इस तरह पड़ रहा था कि जैसे देवी के बालिका रूप में तेज के वलय उठ रहे हों। वह बहुत ही संस्कारी बालिका लगी। जब वह सौम्य मुस्कुराहट के साथ सबको आरती दे रही थी तो उसके पैरों में रुनझुन बजती पायल ऐसी लग रही थी मानो लक्ष्मी ही पैंजन छनकाती चल रही हो। उसके चेहरे पर बहुत तेज था। हमें लगता है हमारे पुत्र खंडेराव के लिए वह योग्य पुत्रवधु साबित होगी। हम आपसे खंडेराव के लिए अहिल्या का हाथ मांगना चाहते हैं। श्रीमंत पेशवा जी बोले, पाटिल जी अब आपकी सहमति हो तो आगे की बातें तय करेंगे। मैं तो निशब्द रह गया। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंदौर के सूबेदार श्रीमंत मल्लार राव जी की अहिल्या को अपना पुत्रवधू बनाना चाहते हैं। मन ही मन मैंने शिव जी की असीम कृपा का आभार माना। मैंने श्रीमंत पेशवा जी, सूबेदार जी और रानी साहब को झुककर अभिवादन किया और खुशी से थरथराती आवाज में उनसे कहा, रानी जी अहिल्या अब आपकी पुत्री हो गई, पर अभी वो नासमझ है। आपसे विनती है कि असावधानीवश अगर उससे कोई भूल हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। सूबेदार जी बोले, पाटिल जी आप निश्चिंत रहिए, अहिल्या हमारी बेटी जैसी ही रहेगी। अब घर जाइए और अहिल्या की आई साहब को भी यह खुशखबरी सुनाइए। हम कल ही आपके घर अहिल्या का हाथ मांगने रीतसर आएंगे।
हम तो यहाँ की प्राकृतिक छटा देखकर विश्राम के लिए श्रीमंत पेशवा जी के साथ रुक गए थे। हमने सोचा था कुछ दिन तलवारों की खनक के बदले निसर्ग का संगीत सुनेंगे। यह हमारे कुलदेवत मल्लारी मार्तन की कृपा हुई। आज हमारे होलकर राजघराने में शहनाई की गूंज के साथ लक्ष्मी के शुभ कदम पड़ने के संकेत मिले।